नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस समय झूठ मूठ का नाटक करती हुई नजर आने वाली है दामिनी, ताकि राधा को ढूंढने के लिए कोई जाए ही नहीं। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी बहुत बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है, जहाँ पर मोहन साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मुझे इस समय राधा को किसी भी सूरत में ढूंढना है। लेकिन दोस्तों, दामिनी इस चीज़ से खुश है कि तुम चाहे कहीं पे भी ढूंढ जाओ लेकिन राधा जिंदा नहीं है इस दुनिया में। आप लोग जानते ही हैं कि राधा जिंदा भी है और राधा बहुत कुछ इनकी पोल पट्टी भी खुलवाती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ में अब तुम्हारा पाप जो कि घड़ा भर चुका है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही राधा जिस हाल में मिलने वाली है, उस हाल में मिलने के बाद में सीधा सीधा एक तरीका से बोला जाए तो इन लोगों की पोल पट्टी बहुत ही अच्छी तरीका से खुलती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि जो हम कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन ये शायद इस चीज़ को भूल चुके हैं कि अभी भी भगवान बैठा है और भगवान के होते हुए तुम कभी भी कुछ कर ही नहीं सकते किसी के साथ में बुरा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मोहन की माँ को बहुत पहले से ही डाउट था दामिनी पर, लेकिन अब इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन करती हुई नजर आने वाली है। आखिरकार दामिनी इस क्लैरिफिकेशन खुद राधा करेगी और राधा इतनी तक बताती हुई नज़र आने वाली है कि आज तक जितने भी कांड हुए हैं वो कांड में कहीं ना कहीं दामिनी और कावेरी दोनों का थोड़ा गना नहीं बल्कि बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में नया कहानी में नया ट्विस्ट और भी खुलने वाला है, जिसके लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, क्योंकि आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके भी जरूर बताइए आपको आखिरकार मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।